सुबह क्या हो रहा है 8:30। साथ में इधर जो है वो सनाया है, अरे एक्चुअली गई है ट्रैकिंग के लिए। हमारे होटल से ही जो है एक ट्रैक स्टार्ट होता है 7:30 पे। एक्चुअली सनाया सुबह सुबह सो रही थी, तो हम दो में से एक ही बंदा जा सकता है। सवानी तो फिलहाल निकल गई, सनाया भी उठ गई है, वे भी आने वाली होंगी। और आज मौसम बाहर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी बारिश वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं है। सामने मस्त जो है व्यू आ रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। इधर काफी सारे क्लाउड्स हैं, तो आज जो है मे भी अभी बाहर जाऊंगा, मैं ड्रोन फ्लाई करूंगा, क्योंकि भाई बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। कल तो यहाँ पे जो है इतने सारे क्लाउड्स थे और बिल्कुल भी सुबह विजिबिलिटी नहीं थी, बट आज काफी कुछ क्लियर दिख रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कहीं आ जाए तो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर हम लोग क्या प्लान करते हैं, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। मे भी आज जो है मैं मुन्नार सिटी ट्राई करूंगा, मुन्नार सिटी होके आते हैं, तो देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, पूरा फुल पसीने में तर हो गई। क्या ज्यादा ट्रैक था ऊंचा? बहुत डिफिकल्ट। अच्छा। हाँ तो मैंने तो पहले ही कहा कि एक ही बंदा जा पाएगा भाई। मम्मा बेटू आपको छोड़ के चली गई थी ट्रैकिंग करने, देखो खूब मस्ती मस्ती करके आ गई है, आपको यहीं छोड़ दिया है पापा के साथ। पसीने पसीने हो गई, कोई बात नहीं, कल पापा जाएंगे सुनाया, नहीं रुकूंगी, ठीक है। एक किलोमीटर का होगा ट्रैक में? 3 किलोमीटर। 3 नहीं होगा है, बाद में रोड से आना है। अच्छा है। कितने लोग थे लगभग? 5 और एक बच्चा। बस बहुत कम लोग हैं, तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, आप लोग आना आराम से, ठीक है। होटल की लिफ्ट जो है बहुत ही ज्यादा स्लो है, एक तो एक खराब हो गई, एक ही बची है, बहुत टाइम लगाती है, 2-3 मिनट तक का वेट करना पड़ता है। और नीचे खड़ी है पर आ नहीं रही है, जबकि किसी को नहीं रिसीव करेगी, कभी कभी ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी तब जाके, तो इन्हें इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। इडली पूरी और भाजी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। पोहा भी दो तरीके का होता है, एक है स्वीट पोहा, एक आलू पोहा। फिलहाल मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। इतना ज्यादा खाने के बाद में जो है भाई वॉक करना भी जरूरी है। और वैसे जो है होटल में जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, मैं इतना खा लेता हूँ कि जो है शायद लंच की जरूरत भी ना पड़ती हो कभी कभी। और घर पे जो है मतलब ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा भी करूँगा, अगर कभी पराठा वराठा खाने का भी प्लान अगर बन गया, वैसे तो खाता नहीं हूँ, एक दो पराठा भी खाना पड़ गया ना तो मुझे भूख ही नहीं लगेगी पूरा लंच टाइम तक। तो यहाँ के ब्रेकफास्ट में बहुत मज़ा आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, काफ़ी सारे टी गार्डन वगैरह हैं। और अब मौसम जो है बिल्कुल ख़राब हो गया है, बाहर नीचे का दिख ही नहीं रहा है कि भाई नीचे क्या है, पहाड़ी है खाई है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मौसम साफ रहता है थोड़ा सा अच्छा लगता है, व्यू वगैरह अच्छा लगता है। इधर देखो पूरी धुंध छा गई है, ये सारे इधर टी गार्डन्स हैं। और ये लोग तो जो है मस्त नहा धो के आ गए, शनाई ने भी नहा लिया क्या? अरे वाह, बस मैं ही रह गया हूँ, तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ। क्या नंबर मैंने डाला था मुझे ध्यान भी नहीं, अबे खुल जा। ये रहा अपना ड्रोन, जहाँ भी जाओगी खाते हुए जाओगी बेटू, ये तो वहीं छोड़ देना चाहिए था आपको, अपना दूध खाने पीने का सारा आइटम साथ में ही लेके चल रही है। तो फिलहाल ड्रोन लेके बाहर आ गया हूँ, जगह देखते हैं जहाँ से ड्रोन जो है फ्लाई किया जा सके। ये वाला प्लांट जो है वो फेक है या रियल है? रियल है, फेक है। ओहो सच में यार। अच्छा ये वाला बताइए, ये तो पक्का रियल है ना? फेक फेक नहीं है, रियल है।
अगर आए दूर से देखने में फेक है बट है रियल। सारे प्लांट्स जो है यहाँ पे रियल है, ऐसे मतलब लग रहा है जैसे फेक हो। इतना लॉलीपॉप खाती हो, ज्यादा मत खाओ, सारे टीथ आपके खराब हो जाएंगे, मुझे नहीं पता ठीक है। आपकी एक लॉलीपॉप अभी घर पे रखी, वो घर पे नहीं, वही रूम पे। और फिर इन्होंने एक ले ली, 80-80 रुपए की लॉलीपॉप खाती है। 80 रुपए की लॉलीपॉप थी, इसे 1 रुपए वाली ज्यादा पसंद है। इसने फिनिश कर दी 1 वाली। इतना खुशी, ज्यादा मत खाओ। आप एक दिन किसी की डांट पड़ गई, किसी की डांट पड़ गई, ये कोई बोलता है? किसी की डांट पड़ गई, ये मजा आ गया मुझे। एक तो खुद गलती करती है, ऊपर से खुद ही डांट भी लेती है। पापा क्यों मेरे बेबी को डांटा? नहीं मैंने नहीं डांटा, सॉरी बोलो सुनाए। सॉरी पापा ना, ये बेबी को डांटते हैं। सुनाया हार गई मुझे लगा। शनाया कहाँ खो गई, मेरी शनाया कहाँ खो गई? अरे ये है शनाया, ये पकड़ लिया पापा ने। फिलहाल दिन के 3 बज रहे हैं और 2 घंटे भाई लेटे रहे कि नींद आ जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद में फिर शाम को जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो जैसे ही रेडी हुए देखो मस्त बारिश शुरू हो गई है, थोड़ा सा बारिश वगैरह बंद हो फिर हम लोग निकले। आज फुल डे हो गया भाई, कहीं भी गया नहीं, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। वेकेशन का मतलब ही है रेस्ट, ये नहीं कि आए मार भागा दौड़ी कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है भाई, क्योंकि अभी घर जाएंगे ना तो भागा दौड़ी फिर से शुरू हो जाएगी। बेटू आप कैसे करती है, पतली कमरिया मेरी कैसे करती है? और इतना टाइम हो गया भाई, मैं अभी अपने पूल एरिया में आया नहीं हूँ अपने होटल के। और ये रहा पूल एरिया, बट यहाँ पे इतना ठंडा है ना ऑलरेडी, तो कौन पूल में नहाए। पूल में तो गोवा वगैरह में नहाने में मजा आता है। ये देखो भाई कितने सारे क्लाउड्स आ गए सडनली। मुन्नार में अगर कुछ अलग है ना तो ये अलग है, कभी भी मौसम बदल सकता है विदिन 5 मिनट। शनाया आपको हन्नू करना है, हन्नू करा दो शनाया को पूल में। अच्छा आपका फोटो क्लिक कर दें। और रानी एक्चुअली आज ट्रैकिंग के लिए गई थी तो इनके शूज काफी ज्यादा गंदे हो गए थे, यहाँ जो है बाइक से सफाई करते हुए। और ये वाले पूल में क्या है, ये पूल एक्चुअली बंद पड़ा है इसलिए जो है वो ज्यादा मतलब साफ इसमें पानी नहीं है, और थोड़ा सा पानी मिक्स होता रहता है, इधर उधर निकलता रहता है, तो ज्यादा अच्छा रहता है। दुबई में जो मैं पूल में नहाया था रात में भाई साहब, क्या पूल था, काफी बड़ा था और एकदम नीट एंड क्लीन था, जबरदस्त पूल था। दुबई की बात ही अलग है, दुबई में कुछ भी चीज आप देख लो किसी भी चीज में आप ये नहीं कह सकते भाई ये खराब है ये खराब है। नंबर 1 पे। अरे कहाँ जा रही, ये मे भी जो है किसी का घर है भाई साहब, जितना बड़ा होटल है ना उतना बड़ा है, मतलब इनके पास स्पेस है घर बनाने के लिए। काफी महंगा मतलब घर आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी होगी आई थिंक, क्योंकि ये होटल है ना जबरदस्त चल रहा है, फुल पैक है, ऐसे मारना देखो। गिरोगी नहीं? अच्छा सुनाया चूल्हा छूल रही है, वाह करना है, क्यों इसमें डर लग रहा है? नहीं डर लग रहा है, वाह मेरा बेटा, फिर थोड़ा सा और कर लीजिए, फिर अभी करना स्लाइड। गोती अभी तो आप झूला झूला चिल्ला थी, छोड़ना मत ठीक है उसको। ये आपके पास ट्रस्ट आपके पास ट्रस्ट नहीं है, जो है नीम का पेड़ था, अरे नीम के पेड़ में डालते थे मतलब मोटी मोटी रस्सी, और वो गर्मी में पड़ता था जून में, गांव में क्या चलता था कि जून में जो है एक झूले वाला प्रोग्राम चलता था, तो मस्त जो है वो पतेल बोलते हैं उसे, ऐसे ऐसे करके जो है इतना मोटा रस्सा बनाया जाता था, और वो नीम के पेड़ में डालते थे, तो दिन में लड़के और रात में लड़कियां झूलते थे, अरे भाई जब डर जाते थे, मतलब दो दो लोग बैठा के चीखे निकल जाती भाई। फाइनली बारिश बंद हो गई और अब कोई कैब ढूंढते हैं भाई। अभी हम लोग जो है मुन्नार टाउन में आ चुके हैं, रानी ये ट्राई कर रही है बनाना का, बनाना स्पाइसी बनाना पकौड़ा, स्पाइसी नहीं है
चाय भी आ गई है, पका हुआ बनाना है। तो चाय तो पी ली भाई, काफी दिनों बाद जो है एक अच्छी चाय पीने को मिल पाई। यहाँ पे जो है आलू नहीं चलता, मिर्च नहीं चलती है, जो भी है बनाना ज्यादा होता है तो उसी के जो है पकौड़े वगैरह। मैंगो ले लिए हैं, सॉफ्ट यहाँ पे मतलब सारी सब्जी मिलती है, बट ये वाली अपने यहाँ नहीं मिलती है। काफी ज्यादा ट्रैफिक है बट ओवरऑल ठीक है, लोग इधर उधर नहीं भागा दौड़ी कर रहे, सारे ऑटो वगैरह जो है लाइन से लगे हैं। यहाँ आए ना तो लग रहा है कि डिफरेंट कल्चर में हम लोग एंट्री की है, क्योंकि यहाँ पे जो है खाने पीने का सामान या बाकी सारी चीजें थोड़ा सा अलग है। चम्मच मत मांग लेना ठीक है, चम्मच नहीं मिल पाएगा। टोमेटो राइस ऑर्डर किया है और हनी का डोसा, खिचड़ी। तो फिलहाल हम लोग जो है अपने होटल वापस आ गए और काफी सारी शॉपिंग वगैरह कर ली, पूरा झोला भर के जो है सामान खरीद लिया है। बट हम लोगों के पास बैग नहीं है कि जो है वो एक बैग ऑर्डर किया है मे बी उसमें आ जाए, तो यही कुछ सीन है, ये पूरा सामान। तो अभी चलते हैं रूम में। हेलो कर दो बेटू, हेलो हेलो बच्चों। तो अभी हम लोगों की ट्रिप जो है वो खत्म नहीं हुई है, कल मॉर्निंग में हम लोगों को निकलना है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो वहाँ पे भी जो है कुछ दिन रुकना है, फिर हम लोग जो है वापस जाएंगे अपने घर। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।